हेलो वेलकम स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तो उसमें है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर भौतिक कोर, वही यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो अगला टॉपिक है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, वो कोबर का सिद्धांत। पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे कोबर का सिद्धांत देखते हैं। कोबर के सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत, इस टॉपिक में से हम प्रश्न बन के आया है। पर्वत निर्माण के भूसंगति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखो दो तीन बार प्रश्न बन के आता है पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण के भूसंगति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे हम इसका परिचय के रूप में पहले इसको आपका थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि पर्वत द्वितीय श्रेणी की ऊंचावच है। पर्वत क्या है, द्वितीय श्रेणी की ऊंचावच है, धरातल पे सेकंड श्रेणी की ऊंचावच है। सेलिसबरी के अनुसार पर्वतों की परिभाषा दी है। सेलिसबरी ने देखो पर्वतों की क्या परिभाषा दी है, पर्वत स्तर के ऐसे उच्च समूह है, पर्वत स्तर के ऐसे उच्च समूह है जो अपने पर्याप्त ऊंचाई के कारण अपने आस पड़ोस के अपेक्षाकृत अत्यंत स्पष्ट होते हैं, किंतु उनके शीर्ष का तल अधिक विस्तारित नहीं होता है और थोड़े ऊंचे हुए उठे हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। दूसरा वैज्ञानिक है सीमेन के अनुसार, सीमेन के अनुसार क्या है परिभाषा, देखो सीमेन ने क्या कहा है कि पर्वत धरातल की महत्वपूर्ण भूआ करती है, द अर्थ की महत्वपूर्ण टोपोग्राफी है जो संकुचित शिखर और काफी ऊंचाई तक होते हैं। ये किसने कहा है, सीमेन ने। पर्वत धरातल की महत्वपूर्ण क्या है, भूआ करती है जो संकुचित शिखर और काफी ऊंचाई में स्थित होती है, ये किसने कहा है, सीमेन ने कहा है। इसके बाद में अतः पर्वत भूआकार है जो निकट की भूमि से अधिक ऊंचाई होते हैं और इनकी चोटी कहीं पे शंकुआकार होती है और कहीं पे तिकोनी नुकेली होती है। अब पर्वतों के कई रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत घटक भी होता है, पर्वत श्रेणी भी होती है, पर्वत श्रृंखला भी होती है और पर्वत माला भी होती है। ये थोड़ी थोड़ी अलग अलग रूपों में होती है। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपने पर्वत घटक। पर्वत घटक ये होता है, पर्वत घटक का एक साधारण उदाहरण है अटलांटिक महासागर में जो बीच के अंदर जो पर्वत कहीं कहीं दिखाई देता है वही पर्वत घटक है। तो ऊंचे पर्वत शिखरों की जो कतार में कहीं कहीं पे पर्वत पाया जाता है उसे ये आकार में बहुत लंबे होते हैं और संकरे होते हैं, इसे पर्वत घटक कहते हैं। अब दूसरा है पर्वत श्रेणी, पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम का पर्वत श्रेणियां कहते हैं, इसमें शिखर घटक कहीं हो सकते हैं। अगला है पर्वतमाला या पर्वत समूह है, जब विभिन्न युगों की विभिन्न प्रकार से निर्मित लंबे और बहुत सक्रिय पर्वत समानांतर मिलते रहते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पर्वतमाला कहते हैं, बहुत बड़ी जैसे अप्लेसियन पर्वतमाला होगी। ठीक है, अगला है पर्वत शिखर, किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी जो कि पर्वत श्रेणी से अन्य भागों के आसपास प्रदेश से काफी ऊंची हो उसे क्या कहते हैं, पर्वत शिखर कहेंगे। तो ये हो गया पर्वतों के बारे में था। अब है आपका भूसंगति। देखो भूसंगति का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, दाना नाम का एक वैज्ञानिक था, दाना ने दिया था। इसका भूसंगति नाम दाना ने दिया था। भूसंगतियां लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग वाली होती है जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तलीय दशाव होता रहता है, यानी नीचे दशाव होता रहता है तलछटी। अब यहाँ पे ये देखो, ये तो क्या होगा, तटीय प्रदेश हो गया, ये तो हो गया तटीय प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया, अग्र प्रदेश हो गया। ये दोनों तरफ का अग्र प्रदेश और ये तटीय क्षेत्र, और ये क्या हो गई, भूसन्नति हो गई। ये क्या हो गई, भूसन्नति हो गई, ये भूसन्नति हो गई। अब देखो इन भूसन्नतियों में तलछट का जमाव होता रहता है जिससे इनकी तली निरंतर नीचे की ओर धसती जाती है। अब देखो यहाँ पे इनका विस्तारित रूप बता देते हैं, इसको मिटा के आपने देख लिया होगा, भूसन्नति नाम दाना ने दिया था। और भूसन्नतियां लंबे सकरे तथा ऊंचे उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली का दशा होता रहता है, नीचे ऊपर से आती रहती है और नीचे दशा होता रहता है।
इसमें एक डायग्राम और है। ये क्या हो गया अवकलन। अवकलन हो गया, ये स्थिर भाग है, ये स्थिर भाग है, ये यहां पे जल भरा रहता है इसमें, ये हो गया जल और ये हो गया सागर। और ये अवसादीकरण है, यानी हमेशा यहां पे तलछट जमा होती जाती है और ये विभिन्न रूप बना देती है। तो ये पुनः भूसन्नति की अवस्था है। इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत दिया था, यानी पर्वतों की जो वलित पर्वत है उनकी उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिया था वो है। वास्तव में कोबर का जो उद्देश्य था वो प्राचीनतम भूखंडों को तथा भूसन्नतियों में संबंध स्थापित करना था कि प्राचीनतम भूखंड है और भूसन्नतियां हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, ये कोबर का मेन उद्देश्य था। इस आधार पर कोबर ने अपने भूसन्नति सिद्धांत को पर्वत निर्माण क्रिया को समझाने का प्रयास किया इस सिद्धांत के आधार पर। तो इनका सिद्धांत है वो संकुचन शक्ति पर आधारित है। देखो पृथ्वी पर संकुचन शक्ति पर आधारित है इनका सिद्धांत। पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल में अग्र दिशा में गति उत्पन्न होती है, देखो, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है, फलस्वरूप भूसन्नति का मलवा वलित होकर पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। यानी जो मलवा आता है उसका संपीड़न होता है और नीचे धंसता है और एक रूप में वो ऊपर पर्वत का रूप निर्धारण कर लेता है। वर्तमान में जहां पर्वत है वहां भूतकाल में कोई ना कोई एक भूसन्नति जरूर रही होगी। ये कोबर का मेन फोकस है कि अभी जहां पे पर्वत है वहां पे भूतकाल में पहले कोई ना कोई एक जो भूसन्नति है वो जरूर रही होगी। और कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल बताया जिन्हें कोबर ने क्रेटोजन कहा। कोबर ने क्या क्रेटोजन बताया। वर्तमान में भूसन्नतियां थी। कोबर के अनुसार भूसन्नतियां लंबे तथा चौड़े जलपूर्ण ग्रंथ थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति निर्माण की होती है, यानी पर्वत निर्माण की जो पहली अवस्था होती है वो भूसन्नति से ही स्टार्ट होती है। वही होता है कि पर्वत निर्माण की फर्स्ट अवस्था, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नतियों का निर्माण होता है, इसे भूसन्नति अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसन्नति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, यानी भूसन्नति के दोनों किनारों पर दृढ़ भूखंड होते हैं और यहाँ पे भूसन्नति पाई जाती है, जिन्हें क्या बताते हैं अग्र देश का है। कोबर ने क्या कहा है, अग्र प्रदेश का है। इन दृढ़ भूखंडों को कोबर ने क्या कहा है, अग्र प्रदेश का। इन दृढ़ भूखंडों में अपरदन से प्राप्त, अब इससे अपरदन होता है और अपरदन से क्या होता है, मलवा नीचे आता रहता है, मलवा संचरित होता रहता है।
अवसादीकरण बोलते हैं, जिससे क्या होता है मलवा जमाव होता रहता है। अवसाद जमाव के कारण बाल में वृद्धि होती है, और अवसाद जमाव होगा क्या होगा, बाल में वृद्धि होगी। भाई अगर लगातार मलवा जमेगा तो मलवा का अवसादीकरण होगा, तो वजन जरूर बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो वजन बढ़ने से निरंतर क्या होगी, अवतलन की क्रिया होती रहेगी। अवतलन का मतलब दशा होता रहेगा और साइड में किसका होता रहेगा। अब अवतलन की क्रिया होती रहेगी तो ये क्रिया लंबे समय तक चलने पर क्या होगा, अधिक मात्रा में मलवा निक्षेपित हो जाएगा, और अधिक मात्रा में मलवा निक्षेपित हो जाएगा तो जब भूसंगति मलवे से पूर्ण रूप से भर जाएगी तो पृथ्वी में संकुचन क्षति संचलन होगा, जो सर्वे संचलन होगा, उस समय में क्या होगा, भूसंगति के दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, ये इधर और ये इधर खिसकने लगते हैं, ये यूं गति करेगा मूवमेंट, और ये आगे करेगा या इधर करेगा। अब देखो ये गति करेंगे तो क्या होता है, भूसंगति जलधुंड में सिकुड़न तथा मोड़ बढ़ने लगता है, जिस कारण मलवा वलित होने लगता है। मलवा वलित होकर पूर्व अवस्था में यहां से निकलेगा। भूसंगति के दोनों किनारों पर दो पर्वतों का निर्माण होता है, तो दो पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। जा तथा बीज का भाग वलन से अप्रभावित रहता है, इस अप्रभावित भाग को जो यहां का भाग है यह अप्रभावित रहता है, इसे क्या कहा, श्वासीन वर्ग, श्वासीन वर्ग कहा है। किसने, कोपर ने श्वासीन वर्ग कहा है, जिसे सामान्य रूप से मध्य पिंड कहा है, श्वासीन वर्ग या मध्य पिंड भी कह सकते हैं। अब देखो जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सक्रिय होता है तो भूसंगति का समस्त मलवा वलित हो जाता है तथा मध्य पिंड का निर्माण नहीं होता है। जब संपीड़न का बल सर्वाधिक सबसे ज्यादा हो जाता है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, तो अब क्या होता है, यहां पे जब भूसंगति है ठीक है, अब यहां पे ये बताया है ये दृढ़ भूखंड है ये वाला, और यहां पे औषधिकरण है और संपीड़न की क्रिया बहुत ज्यादा है, तो यहां पे जो ये औषधिकरण, यहां पे ये जो मध्य पिंड बनता है वो नहीं बनता है। कई बार संपीड़न बल बहुत ज्यादा होगा तब नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा संपीड़न बल होगा तब नहीं बनेगा। संपीड़न बल जितना अधिक तीव्र होगा पर्वत निर्माण क्रिया उतनी अधिक जटिलता होगी, यानी पर्वत निर्माण क्रिया उतनी ही जटिल रूप में होगी। जितना संपीड़न बल ज्यादा होगा उतनी अधिक धीरे या जटिलता महसूस होगी। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। 33 भूसंगति के अंदर में यूरोप का ईस्टर्न भाग तथा दक्षिणी अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था, इन दोनों अग्र देशों के सामने आमने सामने सरकने के कारण अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ है। अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण बेल्टिक कालडेरा प्रेरिंग प्रवाह श्रेणियां मुख्य आल्पस बालकन पर्वत और काकेशस पर्वत का निर्माण हुआ। कई प्रकार की जो पर्वतमालाएं उनका निर्माण हुआ। अब इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड के दक्षिण की ओर लक्षण से एटलस पर्वत का आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। अब क्या होता है, इस प्रकार कोबर ने अपने पर्वत निर्माण का सिद्धांत में मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने, यानी पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने का प्रयास किया इन्होंने, तथा मध्य पिंड की यह कल्पना कोबर द्वारा विशिष्ट पर्वत निर्माण स्थल की अच्छी तरह व्याख्या करती है, कि पर्वतों की उत्पत्ति की अच्छी तरह व्याख्या करती है। हिमालय के निर्माण के संबंध में कोबर ने बताया कि पहले 33 नामक सागर था यहाँ पे, उसके बाद में जिसके उत्तर में अंगारा रेन तथा दक्षिण में क्या था, गोडावण रेन, उत्तर में अंगारा रेन और दक्षिण में गोडावण रेन था। ये दोनों क्या थे, अग्र प्रदेश थे, गोडावण रेन और अंगारा रेन, ये दोनों क्या थे, अग्र प्रदेश।
प्रदेश थे। इसके बाद में योजी जो काल आया, योजी युग में दोनों के आमने सामने खिसकने लगे, जिसके कारण तेथी दोनों किनारों पर कलछट वलन पड़ने से उत्तर की ओर कुलून पर्वत बन गया तथा दक्षिण की ओर उत्तरी श्रेणी का निर्माण हो गया। दोनों में मध्य तिब्बत का पठार मध्य पिंड कहलाया। जो मध्य के अंदर जो तिब्बत का पठार होता है वो मध्य पिंड कहलाया के रूप में बचा। आगे जाकर मध्य हिमालय तथा लघु हिमालय श्रेणियों में बना। अब देखो यहाँ पे कोबर का जो सिद्धांत है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, उसका डायग्राम बना के बताते हैं। ये हो गया अखिल प्रदेश। ये हो गया अखिल प्रदेश। और ये हो गया मध्य पिंड। तो ये सिद्धांत आप देख सकते हो, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब इसके बाद में दो डायग्राम और है, वो आपको पहले भी बता दिया गया है। अब यहां पे इसको समझ आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, ये भूसन्नति थी तो ये तो क्या हो गया अग्र प्रदेश हो गया, ये अग्र प्रदेश हो गया। इसके बाद में अब यहां पे क्या हुआ, भूसन्नति में मलबा था वो एकत्रित हो गया, औषधिकरण की क्रिया हुई। औषधिकरण की क्रिया होने के बाद में ये पूरा पर्वत बनने की बात की सकना है और मध्य पिंड का निर्माण हुआ और दोनों अग्र प्रदेश योग्य रह गए। ऐसे कैसे विद्यमान रहे, ठीक है। आपको 2-3 सेकंड का टाइम है, आप उतार लीजिए। अब यहां पर वापस से हम बताने चाहे आपको एक बार कि पूरी पर्वत निर्माणकारी पर्वत जो वापस से डायग्राम है कि किस प्रकार से संपीड़न होता है और किस प्रकार से
अवसाद का निक्षेप, अवसाद का निक्षेप होता है, और निक्षेप के बाद में क्या होगा? अवतलन, अवतलन की क्रिया होती है, और अवतलन की क्रिया के बाद में अब दूसरा एक और डायग्राम लेते हैं, इसी इधर ही लेते हैं, इसके बाद में क्या होगा? अवतलन के बाद में यहाँ के बाद में या इधर इधर उधर अब देखो, क्षैतिज दबाव ये संपीड़न, जो संपीड़न है इस प्रकार का संपीड़न है, दोनों क्रियाएं होगी और दोनों क्रियाएं होने के बाद क्या होगा? ये हो गया पर्वत निर्माण अवस्था, आप देख लीजिए दोनों डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में हम आगे वाला और समझा सकते हैं। अब इसका कोबर के मध्यपिंड का सिद्धांत का स्पष्टीकरण इन्होंने किया है, वो जो गोडाउन लेन और अंगारा लेन था उसके अनुसार किया है इन्होंने, तो देखो वो डायग्राम बहुत बड़ा है, वो बना के समझा दो। देखो ये तो हो गया धरातलीय क्षेत्र जो एक बाउंडेशन है, ये हो गया अंगारा लेन, अग्र प्रदेश, और ये हो गया ढक्कन का पटार, अग्र प्रदेश के रूप में। एक दो क्या हो गया अंगारा खंड, और ये हो गया ढक्कन का पटार, दोनों की इसका रूप है अंदर प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद में ये क्या रहेगी? भू सन्नति रहेगी,
इसको क्या बोलते हैं? भूसन्नति। अब इसको डॉट डॉट लगा के हम मलबा वगैरह से बच सकते हैं। ये भाग रहेगा उत्तर मलिक पर्वत श्रेणियां, उत्तर की जो पर्वत श्रेणियां है वो भाग है, तथा ये भाग है ये मध्य पिंड का काल है। ये हो गया मध्य पिंड। मैं यहां से प्रश्न मिटा रहा हूं, ये बात ये उत्तरी बलित पर्वत कुनलुन, कुनलुन पर्वत, तथा ये है दक्षिणी बलित हिमालय श्रेणी। तो ये हो गया कोबर के सिद्धांत का स्पष्टीकरण। तो पहला वाला डायग्राम था वो तो कोबर की व्याख्या थी, और ये क्या था कि दूसरा गोडावर लैंड और अंगारा लैंड, और ये मध्य पिंड का उदाहरण देके हिमालय और जो कुनलुन पर्वत है उसका उदाहरण देके बताया गया। ये इस बार स्पष्टीकरण है कि धरातल में ऐसी जो क्षेत्र है वो यहाँ पे मिलता है, तो ऐसा क्षेत्र। अब क्या हुआ, कोबर का सिद्धांत मान्य है, आप इसको उतार लो, इसको बना लो, आपके पास 5-7 सेकंड का टाइम है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो वो ले लो, या आप कॉलेज से पीडीएफ फाइल भी इसकी ले सकते हो, नोट्स वगैरह ले सकते हो। डायग्राम आपको मैं देखा हूँ जहां तक होगा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए। अब हम इस डायग्राम के बाद में यहां पर चर्चा करेंगे कोबर के सिद्धांत की आलोचना। कोबर के सिद्धांत, वैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण संबंधित कई तथ्यों को उचित रूप से उल्लेख भी करता है, तथापि कुछ कमियां भी रह गई।
तो कमियां क्या क्या है? पहला देखो, पॉपर द्वारा बताए गए पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए सही नहीं है। तो पहली कमी क्या बताई गई है इन्होंने कि पॉपर द्वारा बताए गए पृथ्वी का जो संकुचन बल है, जो पर्वत निर्माण कई तथ्यों को उल्लेखित किया है, उत्पन्न बल से पर्वत निर्माण के लिए सही नहीं है। एक कमी है कि पृथ्वी की जो उत्पन्न है पृथ्वी के संकुचन से, संकुचन से उत्पन्न बल से पर्वत निर्माण के लिए सही नहीं होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, कोबर के अनुसार भू सन्नति के दोनों किनारों पर सरकते हैं। कोबर के अनुसार भू सन्नति के दोनों किनारे सरकते हैं, यानी इन्होंने क्या बताया कि भू सन्नति के दोनों किनारे सरकते हैं। भू सन्नति के दोनों किनारे सरकते हैं, लेकिन स्वेज ने क्या बताया, लेकिन स्वेज वैज्ञानिक का स्वेज ने बताया कि एक पार्श्व सरकता है, केवल एक ही पार्श्व सरकता है। दोनों पार्श्व नहीं सरकते, जिसे पृष्ठ प्रदेश का, जिसे पृष्ठ प्रदेश का। दूसरा पार्श्व अपनी जगह स्थिर रहता है तथा दूसरा पार्श्व अपनी जगह स्थिर रहता है। जिसे इन्होंने अग्र प्रदेश कहा, जिसे इन्होंने अग्र प्रदेश कहा। ठीक है, ये दो तो इन्होंने ये कमी बता दी। अब तीसरी कमी है वो देखिए, इन्होंने ये बताया पूर्व पश्चिम पहले पर्वतों जैसे आल्पस हिमालय, पूर्व पश्चिम की तरह फैले पर्वत आल्पस हिमालय हिमालय का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, का स्पष्टीकरण तो हो जाता है, लेकिन उत्तर दक्षिण के लिए भी, उत्तर दक्षिण में फैले हुए पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं होता, पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। तो इस सिद्धांत में कोबर ने यही कहा था तथा ये दो तीन कमियां बताई हैं। दो तीन कमियां बताने के बाद में भी फिर भी सिद्धांत
स्पष्ट रूप से है, तो ये सिद्धांत के संपूर्ण हो जाता है, यानी इसमें भू सन्नतियां मुख्य रूप से जिम्मेदार रहती है और ये पर्वतों की उत्पत्ति से जहां तक इसकी व्याख्या की वहां तक ये सिद्ध और सही सटीक सत्य सिद्ध होता है। और इसने बहुत ही स्पष्टीकरण भी किया है, हिमालय वाला पर्वत भी कुछ भी कमियां हैं, तो इसलिए अभी तक इसका ज्योग्राफी में अध्ययन हो रहा है सिद्धांत का। और इस सिद्धांत के बाद में कई प्रकार की भौगोलिक स्थितियां भी सिद्धांत के सामने उभर के आई है कि पर्वतों का निर्माण जिस प्रकार से हो रहा है। अतः धन्यवाद आपको, आगे के अध्ययन आगे की वीडियो के बाद में बनाएंगे, वहां तक धन्यवाद आपको बहुत।